नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौधरी सक्सेस प्लस करंट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनकी गिनती विश्व इतिहास के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों में होती है, जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में एक अहम योगदान निभाया, जिन्होंने पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। और दोस्तों, सामान्यतः जब एक व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसमें डिसीटफुल हो जाता है, उसमें हिंसक हो जाता है, लेकिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का विरोध करते हुए भी सत्य और अहिंसा का मार्ग नहीं त्यागा। और उन्होंने अपने फॉलोवर से भी और भारत के सभी लोगों से भी यही आग्रह किया कि वो भी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए ही अंग्रेजों का विरोध करें। और उन्होंने इसके चलते कई सारे आंदोलनों को लीड भी किया है और उनको इसमें सक्सेस भी हासिल हुई है। अब देखिए दोस्तों, गांधी एक ऐसे विचारक जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर इतने अडिग थे और अपने विचारों के ऊपर अपने माइंडसेट में इतने क्लियर थे, तो ऐसा व्यक्ति जब किसी भी विषय के ऊपर अपने विचार रखता है तो उसको पूरी दुनिया सुनती है और उनके विचारों से कई लोग जो हैं, लाखों करोड़ों लोग जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं। अब आप गांधी के समर्थक हों चाहे आप उनके विरोधी हों, आप इस बात से तो एग्री करेंगे ही कि गांधी का ओरा जो है भारतीय राजनीति में वो सबसे सुप्रीम है। गांधी को उनकी मृत्यु के 75 साल बाद भी भारत की राजनीति से अलग करके नहीं देखा जा सकता। भारत की राजनीति के गलियारों में हमेशा गांधी के ऊपर डिबेट्स होती रहती है। कोई उनका विरोध करता है, कोई उनके समर्थक हैं, वो उनके विचारों से सहमति रखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं। तो आज भी हम एक ऐसे ही विषय के ऊपर हम बात करने वाले हैं, वो है जाति और अंतरजातीय विवाह का इशू। भारत के अंदर और भारत के समाज के अंदर जाति एक बहुत बड़ा इशू है और बहुत बड़ा ये ऐसा विषय है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग बातचीत करते हैं। जाति, वैसे देखा जाए तो जाति ने हमारे समाज का बहुत बड़े स्तर पर बंटवारा किया है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर ना केवल हिंदू धर्म में बल्कि बाकी कई धर्मों के अंदर जो है वो जातियां पाई जाती हैं, और जातियों की वजह से समाज के अंदर अलग अलग डिविजन हो जाता है। अब जाति व्यवस्था की वजह से समाज के ऊपरी तबके जो हैं वो नीचे वाले तबकों का शोषण करते हैं, और ये इतिहास एक लंबा इतिहास रहा है भारत में। इसके साथ ही अंतरजातीय विवाह के ऊपर भी विरोध जो है वो बहुत होते हैं। कई जगहों पे कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऑनर किलिंग जैसी चीज़ें भी हो जाती हैं। अंतरजातीय विवाह का भारत में कई जगहों पर बहुत विरोध होता है। अब ये चीज़ें थोड़ी सामान्य होने लगी हैं कि जाति के आधार पर भेदभाव थोड़ा कम होता है, फिर भी होता है लेकिन कम होता है। अंतरजातीय विवाह भी होने लग गए हैं और अंतर रिलीजियस मैरिजेस भी होने लग गई हैं। गांधी के इस विषयों के ऊपर क्या विचार थे, इसकी हम विवेचना करेंगे, उसका हम एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। और महात्मा गांधी के जो विचार हैं इसमें कई बार आपको डिस्टर्बिंग भी लगेंगे, कई बार आपको बहुत ऑर्थोडॉक्स लगेंगे, कई बार आपको बहुत रिग्रेसिव लगेंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ऐसी बात कही है, ये बात पच नहीं रही है, गले नहीं उतर रही है। लेकिन महात्मा गांधी की सोच जो है वो समय के साथ साथ इवॉल्व भी हुई है। उनकी जो सोच है ऑर्थोडॉक्स है, लिटिल बिट प्रोग्रेसिव कैसे हुई, क्या क्या इवेंट्स हुए और क्या क्या बातें उन्होंने जाति और अंतरजातीय विवाह के ऊपर बोले हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके बाद मैं एक वीडियो और भी लेके आऊंगा जिसमें मैं गांधी और अम्बेडकर के विचारों की तुलना करूंगा और उनमें क्या समानताएं थी और क्या उनके बीच में मतभेद थे, उनको भी हम पढ़ेंगे। अब आप ये कहेंगे कि राष्ट्रपिता को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप में इतना गट्स कहाँ से आ गया, कैसे हिम्मत कैसे हुई। वैसे देखिए, कोई किसी को रोक नहीं सकता क्रिटिसाइज करने के लिए, वो अब हर किसी का अपना अपना हक है, अधिकार है, आप कर सकते हैं, किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन महात्मा गांधी ने भी अपने बारे में क्या कहा है, अपने आखिरी समय के समय उन्होंने एक बात कही थी कि मैनी टाइम्स महात्मा गांधी सेड दैट ही हैड मैनी टाइम्स फाउंड हिमसेल्फ इन ए रोंग एंड देयरफॉर चेंज हिज माइंड। मैंने बहुत बार अपने आप को गलत पाया है और बहुत बार मैं अपने पहले की सोच में तब्दीलियां करता हूं और मैं भी इवॉल्व हुआ हूं समय के साथ साथ, और मैंने कई सारी ऐसी चीज़ें लिखी हैं, कई सारी ऐसी बातें बोली हैं जिनसे मैं आज इवॉल्व होने के बाद एग्री नहीं करता, सहमत नहीं हूं। तो मेरे मृत्यु के बाद जो चीज़ें मैंने लिखी हैं उन सभी को जला देना। हालांकि हमने जलाई नहीं उनकी बातें, ये बात मानी नहीं, गांधी की लिखी हुई सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो उन सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देना और मेरे साथ ही उनको जला देना। क्योंकि अगर उन चीज़ों को लोग पढ़ेंगे तो एक रिस्क रहेगा कि वो लोग भी वैसा ही आचरण करेंगे, क्योंकि उनके कई लोग फॉलोवर थे। तो गांधी के फॉलोवर अगर उनको पूरी तरह से कट्टरता से फॉलो करें तो उनके शुरुआती जीवन के वो अंश वो पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ों को गलत तरीके से देखा, उनका दृष्टिकोण गलत था, तो वो भी उनको उसी तरह से देखने लग जाएंगे।
तो महात्मा गांधी ने खुद ऐसा कहा है कि समय के साथ साथ मैंने मेरे जीवन के विचारों में कई सारी इवोल्वमेंट होते हुए देखा है, तो पहले के विचारों में और अब में मैंने बहुत कुछ सीखा है और आगे बहुत कुछ सीखने के लिए है। तो कोई भी आदमी जन्मजात फिलोसोफर तो होता नहीं है, जन्मजात उसके सारे विचार तो इवोल्व होते नहीं है, समय के साथ साथ उसमें इवोल्वमेंट होता ही है। तो गांधी में भी हुआ, समय के साथ साथ बहुत इवोल्वमेंट हुआ है और वो इवोल्व होते होते ऑर्थोडॉक्स हैं, काफ़ी हद तक प्रोग्रेसिव हुए थे। कैसे हुए थे उसकी हम बात करेंगे और उनके 1920 से लेके 1948 तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक उनके जो विचारों में क्या तब्दीलियां हुई उसकी हम बात करेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम था, 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ। पूरी बायोग्राफी मैं कवर नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने 1 घंटे की महात्मा गांधी की बायोग्राफी कवर कर रखी है। इनके पिता जो हैं, कुछ की बातें बता रहा हूं आपको। इनके पिता एक दीवान थे, गांधी जो है वो एक वैश्य फैमिली से बिलोंग करते हैं। वर्ण व्यवस्था की यहाँ पे बात चलेगी ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो एक बनिया फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनके पिता जो हैं वो दीवान थे, चीफ मिनिस्टर थे पोरबंदर में, और उनकी मदर जो थी वो एक बहुत ही रिलीजियस वुमेन थी। और उनकी मदर का उनकी पर्सनैलिटी पे, उनकी छवि पे और उनके इनिशियल विचारों के ऊपर काफ़ी प्रभाव था। उनकी मदर जो है वो वैष्णविज्म यानी भगवान विष्णु को अपना चीफ गॉड मानती थी, उनकी प्रैक्टिशनर थी। और साथ ही महात्मा गांधी जो है वो जैनिज्म से भी काफ़ी प्रभावित थे। जैनिज्म से उन्होंने नॉन वायलेंस और सेल्फ डिसिप्लिन का जो आइडिया है काफ़ी वहाँ से उन्होंने अडॉप्ट किया है। अब बात आती है कि महात्मा गांधी, जैसा कि मैंने बताया कि वर्ण व्यवस्था जिसकी हम आगे बात करेंगे, उस वर्ण व्यवस्था में बनिया फैमिली में होने की वजह से वैश्य वर्ण में आते थे, एक बिजनेस क्लास कास्ट में आते थे, बिजनेस कास्ट में आते थे, ये अपर कास्ट जिसको कंसिडर किया जाता है। और काफ़ी रिलीजियस व्यक्ति थे, हिंदुइज्म को काफ़ी फॉलो करते थे, भगवत गीता को अपनी स्पिरिचुअल गाइड मानते थे और खुद रिलीजियस होने के साथ साथ वो दूसरे रिलीजन्स की भी रेस्पेक्ट करते थे। उसके अलावा पेशे से वो लॉयर थे, एक नेशनलिस्ट थे, एंटी कॉलोनियल एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने मास को लीड किया कि कॉलोनियल रूल को हमें यहाँ से समाप्त करना है, और उसमें उनकी एक अहम भूमिका रही। कई सारे उन्होंने आंदोलनों को लीड किया, जैसे सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, इनको लीड किया और मास को उन्होंने लीड करके ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो है एक तरह से नॉन वायलेंस के रास्ते होते हुए विरोध जाहिर किया, जिससे हमें आगे आज़ादी भी मिली। सिर्फ अकेले गांधी की वजह से नहीं, बहुत सारे लोग थे जिसमें फ्रीडम फाइटर, रिवॉल्यूशनरी, गरम दल, नरम दल और बाकी सभी लोगों का इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन था, गांधी जी का भी था। अब बात आती है कि कास्ट और इंटरमैरिज के ऊपर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। अब देखिए, महात्मा गांधी के विचारों को आप 2 चरणों में देख सकते हैं। अब चरण तो 2 मैं बोल रहा हूं, लेकिन वो इवॉल्व होते हुए कई सारे चरण हो जाएंगे। 1920 के दशक थे, 1920 की भी बात करेंगे, 1930 के दशक की भी करेंगे और 1940 के दशक की भी बात करेंगे, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो हर एक दशक के अंदर उनके जो व्यूज हैं कास्ट और इंटरमैरिज के रिगार्ड्स, वो बदलते रहे हैं और कई बार काफी कंफ्यूजिंग भी हैं। आपका दिमाग घूम जाएगा, कई बार महात्मा गांधी एक लाइन में कुछ बात कहेंगे और दूसरी बात में उसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे और उसका एक अलग ही वर्जन आपको नजर आएगा। और उसके ऊपर अंबेडकर ने क्या बोला है उसको हम जब लास्ट में पढ़ेंगे तो एक आपको काफी क्रिटिकल एनालिसिस भी मिल जाएगा। तो 1920 में महात्मा गांधी की ये ओपिनियन थी, ये थॉट प्रोसेस था कि हर आदमी को इस वर्ण व्यवस्था को फॉलो करना चाहिए। वर्ण व्यवस्था क्या है, अब वर्ण व्यवस्था को थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको कि हिंदू धर्म के अंदर वैदिक रिलीजन जो था हमारा पहले से ही, उस वैदिक रिलीजन के अंदर कास्ट सिस्टम जो था उसको वर्ण व्यवस्था कहा जाता था। अब तो देखिए बहुत सारी कास्ट है, कास्ट की कोई लिमिट नहीं है, इतनी कास्ट है हिंदू धर्म के अंदर, लेकिन उस समय क्या होता था, 4 वर्ण होते थे, जिसमें सबसे ऊपर जो वर्ण था वो था, इसमें पिरामिड में अगर देखें तो उसको सबसे सुपीरियर जो वर्ण माना जाता था वो तो ब्राह्मण था। ब्राह्मण में वो लोग हुआ करते थे जो कि अनकंडीशनल लीडर थे। इसमें आप देख सकते हैं कि लॉ मेकर्स भी हो गए, इसमें टीचर्स भी हो गए, इसमें थिंकर्स भी हो गए, ये सब लोग जो होते थे वो होते थे ब्राह्मण। इनके ऊपर किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं थी, ये रूल बनाते थे, ये सब पूरी तरीके से ट्रबल मेकर्स भी थे, बोर्ड मेंबर्स भी थे, फाउंडर्स भी थे, इन्वेस्टर्स भी थे, ऐसी चीजें थी। अब उसके बाद जो आते थे दूसरे नंबर पे आते थे क्षत्रिय। ये कंडीशनल लीडर थे, कंडीशनल भी थे लेकिन इनके पास भी बहुत पावर होती थी, ये मतलब राजा। अब ब्राह्मण जो है इसको आप मानिए मंत्री, और मंत्री जो है वो किंग मेकर है एक तरीके से। अब एक तरह से वो राजा के सबसे बड़े सलाहकार होते थे और राजा भी कई बार
उनकी ओपिनियन से, उनके दायरे से बाहर जाके काम नहीं कर सकता था। तो क्षत्रिय वो थे जो कि रूलिंग क्लास थी, साथ में वो वॉरियर क्लास भी थी, तो ये सब चीजें करती थी। तीसरे नंबर पे आते हैं वैश्य, जो कि जिसे अगर वर्ण व्यवस्था के आधार पे देखें तो गांधी इसी से बिलोंग करते थे, और ये वो लोग थे जो कि मतलब एक तरह से, मैं आपको अगली स्लाइड में ज्यादा अच्छे से आपको पता चलेगा, वैश्य वो थे जो कि ट्रेडिंग और बिजनेस करते थे, और शूद्र जो कि आखिरी और सबसे लोअर स्टेटा था, सबसे नीचे शरण में माना जाता था, वो होता था जो कि नीचे के काम करता था, चाहे वो एग्रीकल्चरल वर्क हो, चाहे वो लेबर वर्क हो, चाहे वो साफ सफाई का काम हो, और इनके ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस थे, इनके अधिकार जो है वो बहुत लिमिटेड थे। अब बात ये आती है कि ये चीजें हिंदू व्यवस्था के अंदर अलग अलग समय पे अलग अलग थी। अब मैं एक दिन आपको, ऐसे तो मैंने वीडियो बनाया है लेकिन फिर मैं बताऊंगा, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज के अंदर चीजें बहुत ज्यादा बदल गई। अर्ली वैदिक एज में ये वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म के आधार पे हुआ करती थी, कि जो आदमी जैसा कर्म करेगा उसी पद पे वो होगा। कोई जिसका आचरण, जिसमें क्षमता, जिसमें गुण जो है वो ब्राह्मण के हैं तो वो ब्राह्मण बन सकता है, जिसमें क्षत्रिय के गुण है तो वो क्षत्रिय बन सकता है, और जिसमें शूद्र के गुण है, जिसमें कोई स्किल नहीं है, वो शूद्र बन सकता है। पहले ऐसा सिस्टम था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड जब हिंदू धर्म का पतन हुआ तो ये वर्ण व्यवस्था जो है ये हेरिडेटिकली हो गई। मतलब अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, और शूद्र का बेटा शूद्र होगा, शूद्र का बेटा कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता, और ब्राह्मण का बेटा वो है उसमें चाहे कोई गुण हो या ना हो वो शूद्र नहीं बन सकता, वो ब्राह्मण ही बनेगा, और उसको उन सारे सुखों का फायदा होगा जो कि ब्राह्मण को मिलते हैं। तो ये वर्ण व्यवस्था थी। इस वर्ण व्यवस्था के ऊपर हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे जब अर्ली और लेटर वैदिक एज के कंपैरिजन को देखेंगे, मैं जल्दी ही वो वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। लेकिन इसके अंदर क्या था कि जब लेटर वैदिक एज के अंदर ये वर्ण व्यवस्था हेरिडेटिकली हो गई, मतलब वंशानुगत हो गई, जन्म जात ब्राह्मण और जन्म जात शूद्र बनने लग गए, तो उसके हिसाब से प्रोफेशन तो तय थे कि शूद्र जो है वो साफ सफाई का काम करेगा, निचला काम करेगा, ब्राह्मण जो है वो टीचिंग्स का, फिलोसॉफी का और रूल मेकिंग का ये काम करेगा, राजा का वो एक तरह से गाइड होगा, ये सब काम करेगा। तो हेरिडेटिकली इस वर्ण व्यवस्था के प्रोफेशन के साथ साथ फॉलो करना गांधी ऐसा सोचते थे 1920 में, कि कोई आदमी अगर नीची जाति में पैदा हुआ है तो वो नीचे का ही काम करे, और ऊंची जाति में पैदा हुआ है तो वो ऊंचा ही काम करे। इस तरीके की मानसिकता थी गांधी की। आप इस चीज से क्या इस समय पे सहमत हैं? क्या हम 21वीं सदी में आ गए हैं, दुनिया इतना इवॉल्व हो चुकी है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अगर आप जाति व्यवस्था और से अलग मुक्त होके अगर इक्वालिटी में बिलीव करते हैं तो बिल्कुल इस बात से नहीं मानेंगे। साथ ही वो इंटरकास्ट मैरिज और इंटर मैरिज, किसी भी तरीके की इंटर मैरिज, चाहे इंटर रिलीजियस मैरिज हो चाहे इंटरकास्ट मैरिज हो, उसके शुरुआत में विरोधी थे। इवन इंटर डाइनिंग तक के वो विरोधी थे। इंटर डाइनिंग मतलब अलग अलग जाति और समुदाय के लोगों को साथ में बैठ के भोजन करना चाहिए, इस तरीके की बातों के भी 1920 के दशक में अर्ली पीरियड में विरोधी थे। ये चीजें उनके ऊपर हावी थी, इस तरीके की सोच थी उनकी, जो कि आपको बहुत ऑर्थोडॉक्स और बहुत ही रिग्रेसिव नजर आएगी। लेकिन उसके बाद 1940 के दशक तक पहुंचते पहुंचते गांधी ने इस समाज को समझा, देखा, और समाज के अंदर कई लोगों का उनके ऊपर प्रभाव भी पड़ा। गोरा हुए, एक सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, अंबेडकर हुए, उनका प्रभाव पड़ा, और भी समाज का जब अध्ययन करते हैं तो उसका ऊपर, और साथ ही उन्होंने, उनके ऊपर ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि वो समाज को बेहतरी से डीपली एनालिसिस करें, उसके बाद अपनी ओपिनियन दें, क्योंकि उनकी ओपिनियन का देश के ऊपर और देश के लोगों के ऊपर, उनके करोड़ों फॉलोअर्स के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो उसके बाद उन्होंने चीज़ों को थोड़ा चेंज किया और उन्होंने इंटरकास्ट और इंटर मैरिजेस का भी समर्थन किया। ब्राह्मण और अनटचेबल्स का के साथ उनका जो अनटचेबिलिटी थी उस दौर में, अभी भी कहीं कहीं है अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता, हालांकि ये कानूनी जुर्म है लेकिन होती है। तो अनटचेबल्स के बीच में और ब्राह्मण्स के बीच में शादी हो, और कास्ट सिस्टम को वो डिसमेंट करना चाहते थे कई हद तक। अब कास्ट सिस्टम और वर्ण व्यवस्था को गांधी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते थे, उसकी आगे मैं आपसे जब विवेचना करूंगा बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं वो कास्ट सिस्टम के विरोधी हो गए थे, और इंटरकास्ट मैरिज को भी वो समर्थन करने लग गए थे। और एक चीज आपको पहले से नजर आएगी 1920 से दशक से ही, कि वो अनटचेबिलिटी के तो खिलाफ थे। वो कहते थे कि अस्पृश्यता तो नहीं होनी चाहिए, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए कि जातिगत आधार पे आप किसी का इतना अपमान करें कि उसको छुआछूत का उसके ऊपर पाप उसके ऊपर लगाएं और छुआछूत जैसे अपराध आप करें। ये तो उनको शुरुआत से ही क्लियर था, लेकिन कुछ मायनों में वो बहुत बैकवर्ड थे,
उसकी हम अब बात करते हैं। अभी देखिए, महात्मा गांधी ने जो लोअर स्टेटा था, जो मतलब जिनको शूद्र कहा जाता था तथा कथित, उनको हरिजन नाम दिया, हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया। हरिजन का मतलब तो होता है जैसे कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड, लेकिन हरिजन शब्द का इस्तेमाल भी समय के साथ साथ लोगों ने एकदम लोअर स्टेटा के लिए करना शुरू कर दिया, और इसको भी इस तरह से इस टर्म जो है वो दलित टर्म इसको बना दिया, और इसका भी उन्होंने इन लोगों ने क्या है कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब गांधी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है अनटचेबिलिटी के इमेंसिपिकेशन के लिए, उसको हटाने के लिए, ये डिबेटेड है कि गांधी का कितना बड़ा योगदान है। एक सोशल थिंकर के तौर पे गांधी को बहुत स्ट्रॉन्ग थिंकर नहीं माना जाता है। सच बताऊं तो गांधी बहुत बड़े आज़ादी के महानायक मान सकते हैं, उनको एक बहुत सक्सेसफुल पॉलिटिशियन मान सकते हैं, क्योंकि उनकी जो विरासत है उसको आज भी हम डिस्कस करते हैं। सक्सेसफुल तो वो हुए थे ही, पूरी दुनिया उनके सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलने वाली फिलोसॉफी की एक तरह से मुरीद है, लेकिन एक सोशल फिलोसोफर के तौर पे, एक सोशल थिंकर के तौर पे गांधी जी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं माने जाते हैं। अंबेडकर साहब जिनका तो ये स्पेशलिटी थी कि वो सोसाइटी के बारे में सोचते थे, सोसाइटी के अंदर इस अनटचेबिलिटी को कैसे इससे मुक्त किया जाए, उसके ऊपर उनका बहुत प्रयास था और बहुत उसके ऊपर उन्होंने काम किया, और वो बहुत इंटेलिजेंट भी थे, सोसाइटी को उन्होंने बहुत गहराई से समझा भी था, क्योंकि जिस दौर से वो गुजरे, जो जो चीज़ें उन्होंने सही अपने जीवन काल में, उसकी मैंने अंबेडकर जी की बायोग्राफी में कवर किया है, उनकी लाइफ की स्टोरी को, सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे गांधी जी के यहाँ पे, और अंबेडकर साहब की, इनके सभी की बायोग्राफी मैंने कवर कर रखी है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि अंबेडकर साहब को कितना कुछ सहन करना पड़ा, और उसके बाद उससे निकल के अंबेडकर साहब कितना पढ़े लिखे और कितना कुछ उन्होंने हासिल करके, और समाज के उस तबके के मुंह पे गाल पे एक थप्पड़ सा मार दिया कि देखिए एक दलित बच्चा जिसके साथ आपने इतना बुरा व्यवहार किया वो क्या कुछ हासिल कर सकता है, कितना पढ़ा लिखा होकर इस समाज के भले के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने, अंबेडकर ने महात्मा गांधी पे ये आरोप लगाया कि उन्होंने समाज को कंफ्यूज कर दिया और उन्होंने कोई भला नहीं किया समाज के, इस अनटचेबिलिटी के खिलाफ उन्होंने थोड़ी बहुत जंग भले ही लड़ी हो, लेकिन क्लास सिस्टम को, ये जो कास्ट सिस्टम है इसको उन्होंने एक तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है, इस तरीके की बातें उन्होंने कहा है, और समाज के अपलिफ्टमेंट में वो एक बाधा बने हैं। कौन? महात्मा गांधी, ऐसा कहा अंबेडकर साहब ने। उनके व्यूज में आपको आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। तो 1920 के दशक में, यहां से आते हैं, 1920 के दशक में महात्मा गांधी ने क्या कहा उसकी बात हम करते हैं। तो वर्ण व्यवस्था को मैं बता चुका हूं आपको कि वर्ण व्यवस्था क्या है, कि चार वर्ण हैं हिंदू धर्म के अंदर। ये ब्राह्मण जो सबसे ऊपर रहता है इस पिरामिड में, सबसे ऊपर, फिर दूसरे नंबर पे ब्राह्मण मतलब वो लोग जो कि इंटेलिजेंट और थिंकर माने जाते हैं, क्षत्रिय वो लोग जो कि वॉरियर क्लास और रूलर क्लास मानी जाती है, वैश्य वो लोग जो कि व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, और शूद्र वो जो कि इन सब की सेवा करते हैं और इनके लिए काम करते हैं, लेबर वर्क करते हैं, इनके लिए कचरा उठाते हैं, इनके लिए सब काम करते हैं, और एग्रीकल्चरल काम भी करते हैं, ये सब चीजें करते हैं, और शूद्र हो गए, उनको सबसे नीचे रखा गया है, लेकिन उनके अधिकारों की, उनके पास अधिकार सबसे कम है, सबके यहाँ पे काम नहीं है। मैं ये नहीं मानता कि कोई भी काम छोटा या बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात है चॉइस की, बात है अधिकारों की। अब एक व्यक्ति ए जो है उसका वो है, वो मान लो शूद्र है, मान लीजिए शूद्र है, वो शूद्र है, उसने, उसके अंदर स्किल नहीं थे, उसने साफ सफाई करी या उसने कोई भी फार्मिंग वर्क किया, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी चॉइस थी, इसने कर लिया। लेकिन इसका बेटा बी है, और ये बी जो है ये इंटेलिजेंट है, पढ़ना चाहता है, बड़ा कुछ करना चाहता है, और ये मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल थिंकर बनना चाहता है, या फिर कोई भी इसका ऐसा विजन है कि ये कुछ अच्छा करना चाहता है, तो इसको कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, इसकी खुद की फ्रीडम है। और आज तो ये नेचुरल राइट है, आज इस मॉडर्न वर्ल्ड में हम जानते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने कहा है कि एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो फ्री है, उसकी चॉइस है, वो कुछ भी करने के लिए आज़ाद है, जब तक कि वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। उसे कहाँ रहना है, क्या खाना है, क्या पढ़ना है, कौन सा प्रोफेशन चुनना है, किस तरीके का लाइफस्टाइल चुनना है, ये सब चीज़ें वो अपना सकता है, बस किसी दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए, बस यही तो बात है। लेकिन यहाँ पे इस स्ट्रिक्टली वर्ण सिस्टम में, वर्णाश्रम में, जिसके अंदर ये प्रोफेशन बेस्ड इसको बना दिया है कि जो है ब्राह्मण का बेटा है ना वो ब्राह्मणी बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्री बनेगा, ये सही नहीं है। प्रोफेशन आप जन्म जात तय कर दो, ये तो गलत बात हुई। लेकिन मैंने आपको कहा था शुरुआत में, जब अर्ली वैदिक एज थी,
तब हिंदू धर्म में ये वर्ण व्यवस्था जन्मजात नहीं हुआ करती थी, ये कर्म पे बेस्ड हुआ करती थी। तो इसकी हम किसी दिन बात करेंगे, ठीक है। अब गांधी जी के अपने खुद के शब्दों में उनके विचार क्या हैं जाति व्यवस्था को लेकर, वो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मैनिपुलेटिव नहीं होना चाहिए कि उन्होंने कुछ कहा और उसको हम मीन निकाल के कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करें। पहले उनके शब्दों को पढ़ेंगे, उसके बाद उनका अर्थ समझेंगे। आई बिलीव दैट कास्ट हैज सेव्ड हिंदुइज्म फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन, बट लाइक एवरी अदर इंस्टीट्यूशन इट हैज सफर्ड फ्रॉम एक्सेशन सेंस, एंड आई कंसिडर फोर डिविजन अलोन टू बी फंडामेंटल, नेचुरल एंड एसेंशियल। इनका ये मानना है कि हिंदुइज्म को डिसइंटीग्रेशन से इस कास्ट सिस्टम ने बचाया है, और कास्ट के ऊपर ये कहते हैं कि मैं जो अभी जो मॉडर्न कास्ट है उसकी बात नहीं, मतलब मैं मानता हूं कि जो चार डिवीजन है, जो चार वर्ण है, जैसा कि हमने बताया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनको मैं मानता हूं कि ये फंडामेंटल है, नेचुरल है और एसेंशियल है। इनका होना बहुत जरूरी है और ये हमारे हिंदुइज्म का एक तरह से पिलर ये मानते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि इसके साथ साथ सब कास्ट बन गई, बहुत सारी सब कास्ट बन गई, हर एक वर्ण के अंदर बहुत सारी कास्ट बन गई कन्वीनियंस के आधार पे, और ये चीज़ है कि वो कन्वीनियंस के आधार पे बन गई, उसका कुछ आप मान सकते हैं कि उसकी वजह से एक तरह से कुछ ना कुछ डिवीजन हुआ है। लेकिन वन ऑफ माय करेस्पोंडेंट, इनका एक साथी कहता है, इनको सजेस्ट करता है कि वी शुड अबोलिश द कास्ट सिस्टम बट अडॉप्ट द क्लास सिस्टम ऑफ यूरोप, मीनिंग देयर बाय आई सपोज दैट द आइडिया ऑफ हेरिडिटी इन द कास्ट शुड बी रिजेक्टेड। आई एम इंक्लाइन टू थिंक दैट द लॉ ऑफ हेरिडिटी इज द इंटरनल लॉ एंड द अटेम्प्ट टू अल्टर द लॉ मस्ट लीड अस टू बिफोर लेड अदर टू अटर कन्फ्यूजन। इन्होंने कहा है कि मेरे एक साथी ने मुझे कहा कि ये कास्ट सिस्टम, इस जाति व्यवस्था को हमें अबोलिश कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, और वेस्ट का जो यूरोपियन सिस्टम है, क्लास बेस्ड सिस्टम है, उसको अपना लेना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं इस आइडिया को रिजेक्ट करता हूँ, और मतलब ये हेरिडिटी के आइडिया को रिजेक्ट करने की बात होती है, इसको मैं नहीं मानता, और ये जो सिस्टम है, ये हेरिडिटी का जो हमारा इटरनल लॉ है जिससे हम डिनाई नहीं कर सकते, इन्होंने ऐसा कहा है, वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। और इन्होंने कहा कि इफ हिंदू बिलीव एज दे मस्ट बिलीव इन इनकार्नेशन, री इनकार्नेशन एंड ट्रांसमाइग्रेशन, दे मस्ट नो दैट द नेचर विल विदाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक एडजस्ट द बैलेंस ऑफ डिग्रेडिंग ए ब्राह्मिन इफ ही मिसबिहेव हिमसेल्फ बाई री इनकार्नेटिंग हिम इन ए लोअर डिविजन एंड ट्रांसलेटिंग वन लिव द लाइफ ऑफ ब्राह्मिन इन द प्रेजेंट इनकार्नेशन टू ब्राह्मिनहुड इन हिज नेक्स्ट। तो इन्होंने कहा कि अगर हिंदू लोग जो हैं वो अपने धर्म में मानते हैं और पुनर्जन्म में और री इनकार्नेशन में, अवतार में मानते हैं, तो उनको एक बात पता होनी चाहिए कि भगवान या नेचर जो है वो कोई गलती नहीं करती है। उन्होंने किसी को ब्राह्मण बनाया है तो वो ब्राह्मण ही बनाया है। अगर वो ब्राह्मण इस जन्म में अपना रोल, अपना कर्तव्य है, उसको सही तरीके से नहीं अपनाएगा, तो वो अगले जन्म में ब्राह्मण नहीं बन पाएगा, वो लोअर स्टेटा में आ जाएगा, और लोअर स्टेटा का कोई आदमी जो है वो अगर अच्छा काम करेगा तो वो अगली बार हो सकता है ब्राह्मण में आ जाए। अपने कर्मों के आधार पर आपको जन्म मिला है, आपके पास्ट की डूइंग्स की वजह से आपको जन्म मिला है, गांधी ऐसा मानते थे, और आपको नेचर के ऊपर ट्रस्ट कर लेना चाहिए, ऐसी बातें इन्होंने कही हैं। तो ये बातें तो एक रिलीजियस आदमी करता है, ऐसी रिलीजियस बातें करता ही है, लेकिन आप कितने रिलीजियस हैं? अगर आप नहीं है रिलीजियस तो आपके साथ अत्याचार क्यों हो, कोई भी हो, और रिलीजियस हो तो भी आदमी क्या अगले जन्म का इंतजार करेगा कि मैं अपने इस जन्म में तो शूद्र पैदा हो गया, इस जन्म में तो मुझे अधिकार नहीं मिले, लेकिन मैं इस बार बहुत मेहनत करूंगा, बहुत अच्छा काम करूंगा ताकि अगले जन्म में ब्राह्मण बनूं। ये किस तरीके की बात है? कोई किसने देखा है अगला जन्म? ये तो एक बिलीफ है, और बिलीफ के ऊपर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बिलीफ है इसके ऊपर है कि कितने लोगों को अगले जन्म की परवाह है, ये सोचिए आप। उसके बाद इन्होंने और आगे कही ये बात कि इन एक्सेप्टिंग द फोरफोल्ड डिवीजन आई एम सिंपली एक्सेप्टिंग द लॉ ऑफ नेचर। मैं ये जो नेचर ने जो कानून बनाया है, नेचर ने जिस तरह से हमें जन्म दिया है, जिस तरह से वो किया है, उसकी मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्या नेचर ने सामने आके कभी कास्ट सिस्टम बनाया था क्या? ऐसी थोड़ी बात है। गांधी के इन विचारों को आप साथ साथ में कुछ आंकलन उनका करते जाइए। टेकिंग फॉर ग्रांटेड व्हाट इनहेरिटेड इन ह्यूमन नेचर एंड द लॉ ऑफ हेरिडिटी, इट इज नॉट पॉसिबल इन वन बर्थ एंटायरली टू अंडू द रेस्ट ऑफ आवर पास्ट डूइंग्स। हमारे एक जन्म के अंदर हमारे पूरे पीछे के कर्मों का हिसाब हम नहीं चुका सकते कि अभी इसी जन्म में हमें अधिकार भी मिल जाए, हमने कुछ समय के लिए कुछ काम कर लिया तो हमें पूरे अधिकार मिल जाए, ये नहीं है। अब ये बात जो है ये कहीं ना कहीं पचती नहीं है, आपको इस चीज़ को आप समझिए, आप इस चीज़ को पूरा ढंग से पढ़िए, आप इसके मीनिंग निकाल सकते हैं, रीड बिटवीन द लाइंस वाली बात हो सकती है, लेकिन इसका
एक सामान्य आदमी, एक आम आदमी जो सामान्य तरीके से धर्म शास्त्रों और इन चीजों में लाइनों में नहीं उलझना चाहता, वो क्या समझेगा गांधी जी की इन बातों को। टू चेंज इट, यानी इस ऑर्डर को अगर आप बदलते हैं तो आप डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं। इट विल बी द केओस इफ एवरी डे ए ब्राह्मण इज टू बी चेंज इन टू द शूद्र एंड शूद्र इज टू चेंज इन टू ए ब्राह्मण। द कास्ट सिस्टम इज नेचुरल ऑर्डर ऑफ सोसाइटी। आई एम अपोज टू ऑल दोज हु आर आउट टू डिस्ट्रॉय द कास्ट सिस्टम। गांधी जी ने साफ साफ कह दिया, मैं तो कास्ट सिस्टम का ओपन समर्थक हूं, और कोई ब्राह्मण अगर शूद्र बनेगा और शूद्र अगर ब्राह्मण बनता जाएगा तो यहाँ पे समाज के अंदर केओस हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा केओस, ये गांधी जी के अपने ओपिनियन थे, उनका ये मानना था। उसके बाद इन्होंने देखिए और भी आगे अपने विचारों को किस तरह से प्रेजेंट किया है। आई हैव इंडीड सेड दैट द वर्ण इज बेस्ड ऑन बर्थ। ही हु परफॉर्म द ड्यूटी फॉर इंस्टेंट ए ब्राह्मण विल इजिली बिकम वन ऑफ द नेक्स्ट इनकार्नेशन। वही बात इन्होंने कही है कि वो अगर अभी परफॉर्म करता है अपने कर्मों को सही तो वो अगले जन्म में फिर ब्राह्मण बन जाएगा। अगर एक दूसरे वर्ण का व्यक्ति अपने सही काम करता है तो उसमें अगले जन्म में उसको वो सुख सुविधाएं और सब चीजें मिलेंगी जो कि वो चीजें मिलेंगी। तो गांधी जी भी कहीं ना कहीं अंदर से तो जानते थे कि ये जो स्ट्रेटा है रिलीजन का, ये जो वर्ण सिस्टम है, वर्ण आश्रम है, इसमें कहीं ना भेदभाव तो होता है। तो वो भेदभाव को दूर करने के लिए इस चीज के ऊपर अभी उनको धीरे धीरे और चीजें समझ में आएंगी। देखिए क्या कहते हैं, देयर इज नो हार्म। आगे उन्होंने क्या कहा, देखिए यहाँ पे कई लोगों का सवाल ये हो सकता है कि गांधी जी इसका मतलब शूद्र को तो पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्र को तो प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं है, शूद्र तो सिर्फ सेवक बन के रह जाएगा, दास बन के रह जाएगा, तो ऐसा कैसे, ये कैसे। तो उन्होंने क्या कहा, देखिए देयर इज नो हार्म इफ ए पर्सन बिलोंगिंग टू वन वर्ण एक्वायर द नॉलेज एंड साइंस एंड आर्ट स्पेसिफाइड बाय अदर पर्सन बिलोंगिंग टू अदर वर्णस। किसी एक वर्ण का व्यक्ति किसी दूसरे वर्ण से कोई चीजें सीख लेता है, नॉलेज ले लेता है, साइंस ले लेता है, आर्ट ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चलेगा। लेकिन बट एज फार एज द वे ऑफ अर्निंग इज लिविंग ऑफ कंसर्न ही मस्ट फॉलो द ऑक्यूपेशन ऑफ द वर्ण टू विच ही बिलोंग्स। तो हर आदमी को अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए वही काम करना चाहिए जो उसके वर्ण के आधार पर हिंदू धर्म में मेंशन है। Which mean he follow the hereditary profession of his forefathers. अपने जो forefathers हैं, जो अपने पूर्वज हैं, उनके कर्मों को ही हमें follow करना चाहिए। मतलब एक ही परिवार जो है, मान लो ये बढ़ई बन गए तो इसका पूरे परिवार जो है वो बढ़ई बनते रहेंगे, कारपेंट्री करते रहेंगे जिंदगी भर। बी वाले यहाँ पे मान लो सुनार का काम कर रहे हैं तो ये हमेशा सोने में करते रहेंगे काम, ये कभी बदल नहीं सकते आप काम। मतलब आदमी अपनी स्किल का इस्तेमाल नई तरीके से डेवलप नहीं कर सकता, सिर्फ परिवार के हिसाब से ही उसको करना चाहिए। यह गांधी की पुरानी और ऑर्थोडॉक्स सोच यहां पे कहीं ना कहीं दिखती है। अब 1930 के दशक में गांधी की सोच में क्या डेवलपमेंट होता है, इसकी बात करते हैं। 1931 में गांधी जी की मुलाकात होती है भारतीय 20वीं सदी के एक बहुत ही कमाल के लॉ के जानकार और बहुत ही बड़े सोशल रिफॉर्मिस्ट अंबेडकर साहब से। उसके बाद आगे गोरा से भी मीटिंग होती है इनकी, उन दोनों का प्रभाव काफी पड़ता है। अंबेडकर जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा, उनको अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ा, जिनको स्कूल में जाते थे तो उनको क्लास से बाहर बिठाया जाता था, जिनको पानी पीने की वो पानी खुद हाथ से उठा के पानी नहीं पी सकते थे, उनको उनके हाथ में उनकी हथेली में पानी डाल के पिलाया जाता था, जिस दिन वो आदमी जो पानी पिलाता था वो नहीं होता था तो उनको पैसा रहना पड़ता था, जिस आदमी ने अपने जीवन में इतने कष्ट और इतना ह्यूमिलिएशन फेस किया, जिन्होंने वर्क स्पेस के ऊपर भी ज्यादा सक्षम और ज्यादा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी जाति के आधार पर भेदभाव सहा हो, जो आदमी एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हो जिसकी परिवार जो है वो स्ट्रीट स्वीपर होते थे, गली में सफाई करने वाले कर्मचारियों की तरह काम करते थे, जिस आदमी ने ये कर लिया कि मैं आगे चल के एक स्ट्रीट स्वीपर नहीं बनूंगा, मैं गलियां साफ नहीं करूंगा, पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करूंगा, बड़ा बनूंगा, उस आदमी से जब गांधी की मुलाकात होती है जो कम्प्लीटली सेल्फ मेड आदमी है, तो उस आदमी के मिलने से गांधी पे प्रभाव तो पड़ेगा। और अंबेडकर कोई सामान्य आदमी नहीं थे कि ठीक है इतना कुछ सहा है, स्ट्रगल किया है, उसके बाद आगे आगे उन्होंने स्ट्रगल करना है, ना ना, उनके पास इतनी डिग्रियां थी जितना आपको पढ़ने में, उन डिग्रियों के नाम पढ़ने में लग जाएंगे 10 मिनट। तो उनके पास एमए की में कोलंबिया से डिग्री थी, पीएचडी की डिग्री थी लंदन से, उसके अलावा संस्कृत में उन्होंने बर्लिन से स्टडी किया था संस्कृत भाषा को, बहुत सारी चीजें करी थी, डबल डबल पीएचडी थे लॉ में, वो इतना संविधान सभा के सबसे पढ़े लिखे आदमी थे, संविधान का निर्माता के तौर पे अंबेडकर को हम जानते हैं, हमारा संविधान जो हमारे लिए सबसे देश की सबसे होलीस्ट बुक है उसमें उन्होंने योगदान निभाया। तो अंबेडकर से मिलने के बाद गांधी की इस विचारधारा में कुछ परिवर्तन आए, गांधी ने अप्रिशिएट किया, गांधी जी ने अंबेडकर की ब्रिलियंस को, उनकी ऑनेस्टी को, नॉन वायलेंस के रास्ते को अपनाते हुए उन्होंने जिस तरीके से अपना एंगर
जो है एक्सप्रेस किया समाज के अंदर कि हमारी जातियों के साथ इतना भेदभाव क्यों, इसको उन्होंने उन्होंने भी नॉन वायलेंस का रास्ता ही अपनाया ना, तो उसके बाद भी फिर उसके उसका प्रभाव जो है गांधी के ऊपर पड़ा। लेकिन गांधी को लोग जो हैं वो दो तरह से जानते हैं, एक तो गांधी के इवॉल्वमेंट की हम बात कर ही रहे हैं अभी साथ साथ में, उन्होंने खुद भी कहा ही है कि मैं इवॉल्व हुआ हूँ समय के साथ साथ, बहुत सारी मेरे में बुरी आदतें थी, बहुत सारे चीज़ों को देखने का मेरा नज़रिया जो है वो पहले अलग था और बाद में बदला है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे गांधी जी जिस बात में मानते थे उसमें वो मानते थे, और वो कहते थे कि उनका थोड़ा डिक्टोरियल रवैया था कि मैं इस बात को मानता हूँ तो यही सच है, यही ये उनके अंदर अहम था, ऐसा लोगों का कई लोगों का मानना है जो उनके क्रिटिक है उनका स्पेशली ये मानना है। तो गांधी का ऊपर प्रभाव, गांधी की जी के ऊपर प्रभाव था अंबेडकर साहब का, लेकिन अभी भी गांधी की विचारधारा जो है वो पूरी तरह से डेवलप हुई नहीं थी। एक बार आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, आप जानते हैं समय के साथ साथ होता है। उसके बाद गांधी का विजन क्या था 1930 के दशक में, उनकी जो मैं विचार पढ़ रहा हूँ वो किसी एक किताब या किसी एक इंटरव्यू या किसी एक आर्टिकल के नहीं है, अलग अलग सेवरल इवेंट्स में अलग अलग मौकों पर जो जो उन्होंने बातें कही हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसमें कुछ बातें रिपीट भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो सब बातें हम डिस्कस कर रहे हैं कि हर दशक में क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं। यहाँ पे गांधी जी कहते हैं, आई डो नॉट बिलीव इन कास्ट इन द मॉडर्न सेंस, आज के समय पे जो कास्ट है उसको मैं उस सहज तरीके से नहीं मानता हूँ। आज के समय ये जो सिस्टम है ये हैंडीकैप्ड हो चुका है, ये काफ़ी टूट फूट चुका है, बिगड़ चुका है। मैं मानता हूँ कि आज के समय हर आदमी एब्सोल्युटली इक्वल है, और मैं नहीं मानता कि किसी के बीच में कोई इनइक्वालिटी है, तो ये बात आपको अच्छी लगेगी। और इन्होंने ये कहा बाद में कि इक्वालिटी इज ऑफ सोल्स नॉट द बॉडीज, लोगों की इक्वालिटी जो है वो आत्मा के आधार पे है, बॉडी के आधार पे नहीं है। और कास्ट जो है वो एक इविल है, अगर वो स्टेटस को और लोगों के बीच में भेदभाव क्रिएट करता है तो कास्ट को उन्होंने इविल बता दिया। लेकिन इसके बाद ही उन्होंने एक और बात कह दी, और वो बात जो है वो पिछली बात वाली बात से कुछ हद तक कॉन्ट्राडिक्ट है, लेकिन वो अपने हिसाब से चीज़ों को बदल के कहेंगे, कन्फ्यूजिंग लगेगी, लेकिन एक थिंकर, एक वर्क सोशल थिंकर हो या पॉलिटिकल थिंकर हो, वो अपनी बातों को जब प्रेजेंट करता है तो उसमें कई बार आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो ही जाता है। उसको हम जब लास्ट में इसके कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद ये क्या कहते हैं, आई डू हाउ एवर बिलीव इन वर्ण विच इज बेस्ड ऑन हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन, मैं वर्ण व्यवस्था में मानता हूँ, मतलब अभी भी इनमें ये तब्दील नहीं आई थी कि वर्ण व्यवस्था मतलब जिस वर्ण के अंदर जो आदमी है वही ऑक्यूपेशन करना चाहिए, ये बात में ये अभी भी मानते थे, लेकिन कास्ट में नहीं मानता। आज की जो कास्ट सिस्टम है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। उन्होंने कहा कि ये जो चार वर्ण हैं ये यूनिवर्सल ऑक्यूपेशन हैं, इससे आपको सब चीज़ें पता चलती हैं, इनसे यूनिवर्सल ऑक्यूपेशन है जिसमें आपको सारी चीज़ों का एक सिस्टमेटिक अप्रोच मिलती है, इम्पार्टिंग नॉलेज, डिफेंडिंग द डिफेंडलेस, मतलब नॉलेज जो है वो ब्राह्मणों का जैसे काम हो गया उसको लोगों तक सर्व करना, डिफेंडलेस को जो डिफेंड नहीं कर सकते खुद को उनको डिफेंड करना क्षत्रियों का काम हो गया, उनकी ड्यूटी हो गई, एग्रीकल्चर को कैरिंग करना जो है कॉमर्स को कैरी करना है, कॉमर्स को कैरी करने का काम वैश्यों का हो गया, एग्रीकल्चर और इन चीज़ों को बाकी सर्विसेज का काम जो हो गया फिजिकल लेबर का हो गया वो शूद्रों का हो गया, इसमें कहाँ दिक्कत है, ये बात कही। और उसके बाद कहा कि दीज ऑक्यूपेशंस आर कॉमन टू ऑल मैनकाइंड बट हिंदुइज्म हैव रिकॉग्नाइज्ड देम एज अ लॉ ऑफ बीइंग एंड हैज मेड एस रेगुलेटिंग सोशल रिलेशन कंडक्ट, और इसको इस तरह से उन्होंने कहा कि ये तो नेचर का लॉ है, इस कानून से आप अलग नहीं हो सकते, जो लॉ ऑफ नेचर है हिंदुइज्म का नेचर है, जैसे ग्रेविटेशन का जो इफेक्ट है वो पूरी दुनिया के अंदर है, आप इसमें माने या ना माने, तो इस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करने का तरीका हो गया जिससे लोग जो हैं और जुड़े उस चीज़ से। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुछ प्रोपोगेंडा फैला रहे थे, लेकिन चीज़ों को इस तरीके से प्रेजेंट करने का जो उनका तरीका है, उनका जो भाव है, इसीलिए तो वो कमाल के वक्ता थे, इसीलिए तो लोग उनको इतना फॉलो करते थे। तो उन्होंने इसको इस तरह से रिलेट करके बताया कि जैसे न्यूटन का नियम है ना, ग्रेविटेशन का सिद्धांत, वो जितना असेंशियल है, जितना सही है, उसी तरीके से नेचर का ये नियम भी सही है कि जिस तरह से हेरिडिटिकली ऑक्यूपेशंस होने चाहिए। लेकिन जैसे कि न्यूटन की कई थ्योरीज को गलत प्रूव किया गया है, गांधी जी की इस थ्योरी को भी गलत प्रूव किया जाएगा, कैसे, खुद ही करेंगे और भी लोग करेंगे, बहुत लोग करेंगे। उसके बाद देखिए गांधी के व्यूज 1940 के 30 के दशक में चल रहे हैं अभी, तो उसके बाद ये कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो आज की वर्ण व्यवस्था है वो तो बची नहीं है, ये कहते हैं कि अब तो वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से लोगों ने तोड़ दिया है, अब तो अपने आप को ब्राह्मण कहने वाले लोग जो हैं
वो न तो नॉलेज को फैलाते हैं, उन्होंने सीज कर लिया है, और वो समाज का जो है एक तरह से प्रोसिक्यूशन करते हैं। इस तरीके की बातें हो रही हैं और कहते हैं कि वर्ण सिस्टम जो है ब्रोक डाउन हो चुका है, अब ना तो ब्राह्मण ब्राह्मण रहा है, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं रहा है, अब तो हम शूद्र हो गए हैं सब, और ये एक ही वर्ण बचा है। अगर आपको ये बात मंजूर नहीं है कि हम सब के सब शूद्र नहीं हैं, अगर आपके अंदर ये घमंड है, आप इस वैनिटी में हैं, तो ये मान लो कि हम सब ब्राह्मण हैं, आपको एक ही वर्ण बचा है, अब कोई वर्ण व्यवस्था बची नहीं है। मेरा मानना है कि सारे वर्ण बोलो है वो टूट चुके हैं। ये बात गांधी ने 1930 के लेट दशक में कह दी थी, 1930 के बाद ये बात भी इन्होंने कह दी थी, नहीं 1930 के अराउंड ही कही थी। उसके बाद इन्होंने कहा कि नो मैटर व्हाट वाज द पोजीशन इन एंशियंट टाइम, देखिए यहां जाति के खिलाफ होते दिख रहे हैं गांधी, गांधी का स्टैंड बदलता दिख रहा है, ये आप परिवर्तन देखिएगा। मैं नहीं जानता कि समय मैटर नहीं करता कि पास्ट में एंशियंट टाइम में क्या पोजीशन थी किसकी, लेकिन आज के समय ये कहना कि किसी कोई भी व्यक्ति ये कह देता है कि वो हाई क्लास से बिलोंग करता है या हाई स्टेटा से बिलोंग करता है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और इस तरीके के सुपीरियरिटी के क्लेम्स को अब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और दुनिया जो है वो अब जागृत हो चुकी है, उनमें एक जागृति आ चुकी है, और इस तरीके के क्लेम्स जो है वो नहीं चलेंगे। अब इस दौर में तो कई सारे बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने बहुत बड़ी बड़ी कमाल की बातें कर दी थी, और गांधी जी बड़े लेट हैं इस चीज़ में, काफ़ी लेट हैं। दुनिया भर के बड़े महान फिलोसोफर्स ने इक्वालिटी और इनकी फर्टिनिटी की बात कह दी थी, और जो नेचुरल राइट्स हैं उनकी बात कह दी थी। अब गांधी और अंबेडकर के जो सवाल जवाब हैं, कुछ एक आध यहाँ पे देखिए कि गांधी जी यहाँ पे अंबेडकर क्या कहते थे इस दौर में। हम अंबेडकर वर्सेस गांधी अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि जो कास्ट का जो सिस्टम है, कास्ट सिस्टम जिसकी वजह से इतने सारे ह्यूमिलेशंस फेस करने पड़ते हैं लोअर कास्ट को, और उनका साथ जिस तरीके का व्यवहार होता है, उसका अब यही तरीका है कि उस कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। और अंबेडकर का ऐसा मानना था कि देखिए अंबेडकर ये बहुत लंबे समय तक प्रयासरत रहे कि कास्ट सिस्टम को ख़त्म किया जाए, कास्ट सिस्टम ख़त्म हुआ नहीं, कास्ट सिस्टम के वो विरोधी थे बहुत बड़े, नहीं हुआ तो उन्होंने अपना रिलीजन ही चेंज कर लिया। उन्होंने कहा कि अगर या तो हमारा जो है प्रोसिक्यूशन बंद हो, हमारा शोषण बंद हो, अगर शोषण बंद नहीं होता है तो जिस समाज के अंदर हमारा शोषण हो रहा था हम उस समाज को ही छोड़ देंगे, उसके रीति रिवाज और उसके रूल्स रेगुलेशंस उस रिलीजन को ही छोड़ देंगे जिसमें हमें इस तरह से ह्यूमिलिएट किया जाए, हमें लोअर स्टेटा में और नीचा दिखाने की कोशिश की जाए। तो गांधी जी ने इसके बारे में क्या कहा कि इस कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से खारिज करने की जब अंबेडकर ने बात कही कि खत्म कर दो इसको, डिस्ट्रॉय कर दो, तो गांधी जी ने कहा कि अंबेडकर इज बेटर, अंबेडकर जो है वो कड़वे हैं, ही हैज एवरी रीजन टू फील सो, उनके पास उनका कारण भी है उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ, लेकिन मेरा मानना है आई डोंट बिलीव दैट कास्ट सिस्टम इवन द डिस्टिंग्विश फ्रॉम वर्ण शास्त्र इज टू ओडियस एंड विशियस डोगमा। इन्होंने यहां तक कह दी। देखिए अब ये बात, अभी इससे पहले दो मिनट पहले मैंने बताया था ना कि गांधी विरोधी हो गए थे थोड़े यहाँ पे कास्ट के, लेकिन यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू मजबूत रखने के लिए इन्होंने क्या कहा, क्या किस तरीके की बातें कही जो पहले से कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएंगी और कंफ्यूजन हो जाएगा उसे। इन्होंने कहा कि देखिए वर्ण व्यवस्था जो है वो तो दिक्कत है ही नहीं, अगर पुरानी वर्ण व्यवस्था है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आज की कास्ट जो है वो भी मैं नहीं मानता कि इतनी विशियस डोगमा है, बहुत ही बड़ी अपमानित करने वाली चीज है। इसके कुछ लिमिटेशन हैं, कुछ डिफेक्ट्स हैं, किसके नहीं होते, लेकिन इसमें कोई पाप नहीं है। हाँ अनटचेबिलिटी है, लोगों ने कहा कि अनटचेबिलिटी है तो सही, अनटचेबिलिटी है, लेकिन अनटचेबिलिटी भी एक बाई प्रोडक्ट है, और वो ऐसा ही है जैसे कि आपकी बॉडी में कोई ऐसा एग्ली ग्रोथ हो जाती है, कुछ गलत हो जाता है, फोड़ा फुंसी हो जाता है, तो कुछ आपको दिक्कत हो जाती है, उसी तरह से अनटचेबिलिटी है, उस अनटचेबिलिटी का हम ट्रीट करेंगे, उसको अनटचेबिलिटी को हटाएंगे, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं, कास्ट सिस्टम है तो क्या दिक्कत है। तो गांधी अभी भी कास्ट को हटाने के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे, अभी तक दिख रहा है आपको ये 1930 में दिख रहा है, और कई बार उन्होंने कास्ट के बारे में ये भी कहा कि अभी वर्ण व्यवस्था को तोड़ दिया गया है, ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहा, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं रहा, वैश्य वैश्य नहीं रहा, हम सब शूद्र हो चुके हैं, कभी इस तरीके की बातें करते हैं, तो कन्फ्यूजन तो है ना। अब अम्बेडकर इनको जवाब देंगे आगे, उसकी बात भी हम करेंगे। तो 1930 के आसपास ही एक जात पात तोड़क मंडल बना था, उसमें एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें कास्टलेस हिंदुइज्म को प्रमोट करने की बात हुई थी। तो यहाँ पे गांधी ने कहा कि देखिए मैं इस इरेडिकेशन ऑफ कास्ट को अप्रूव नहीं कर सकता, कि अगर वर्ण व्यवस्था को अगर अबोलिश करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं हूँ। हाँ मैं इस चीज़ के पक्ष में ज़रूर हूँ कि जो इतने सारे इननम्बरेबल कास्ट डिस्टिंक्शंस हैं,
कास्ट की वजह से लोगों के बीच में इतना भेदभाव कर दिया, उसको मिटाया जाना चाहिए, वर्ण व्यवस्था को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। अब कभी कभी चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि जो वो कहना चाहते हैं और सामने वाले का जो विजन है उनसे मैच नहीं हो पाती चीजें, तो ये सब चीजें हैं। लेकिन अब देखिए गांधी ने क्या कहा 1935 में, 1940 का दशक आ गया है, उन्होंने कहा कि कास्ट हैज टू गो, वर्ण धर्मा ऑफ शास्त्र इज टूडे नॉन एग्जिस्टेंस इन प्रैक्टिस, द प्रेजेंट कास्ट सिस्टम इज देयर बाई एंटीथीसिस इन वर्णाश्रम। जो पुराना वर्ण आश्रम है उसको तो खत्म कर दिया गया है, वो तो बचा नहीं है, और आज की जो जाति है वो उस चीज को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो पब्लिक ओपिनियन के आधार पे जल्दी से जल्दी इस कास्ट सिस्टम को अगर खत्म कर दिया जाए उतना ही बेहतर है, ये गांधी ने कहा है 1935 में। द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस इज देयरफॉर डबली रॉन्ग इन दैट सेट ऑफ ए क्रूल रिस्ट्रिक्शन अबाउट इंटर डाइनिंग एंड इंटर मैरिजेज एंड टॉलरेट एनार्की अबाउट द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। तो इन्होंने कहा कि ये इस तरीके की प्रैक्टिस है आज की जाति, जो कि इस तरीके से है कि वो रेस्ट्रिक्शंस लगाती है इंटरडाइनिंग और इंटरमैरिज में, आपस में शादियां नहीं हो पा रही हैं, उसके अलावा अनार्की क्रिएट करता है कि ये नहीं पता लोगों को कि कौन सा ऑक्यूपेशन ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि पुराना वर्ण सिस्टम खत्म हो गया और आज की जाति जो वो काफी कंफ्यूजन है उसमें, और काफी उसमें सिस्टमेटिक दिक्कत है, तो इस कास्ट सिस्टम को तो खत्म होना जाना चाहिए। अब अंबेडकर ने बहुत कुछ गांधी के व्यूज को सुन लिया था। 1936 में अंबेडकर ने लिखा एक आर्टिकल और कहा कि अब देखते हैं कि गांधी कहना क्या चाहते हैं। गांधी के विचारों का उन्होंने एक आकलन करके उन्होंने बोला कि डज द महात्मा प्रैक्टिस व्हाट इज स्पीच, जो महात्मा गांधी जो बोलते हैं, जो उपदेश देते हैं, क्या वो खुद प्रैक्टिस करते हैं? और क्या एक आदमी जो आर्ग्यूमेंट करता है, इन जनरल आर्ग्यूमेंट करता है, रेफरेंस देता है, क्या उसके कुछ एप्लीकेशन भी हैं? क्या वो बातें जो बोल रहे हैं, क्या वो उनका कुछ आधार भी बनता है? क्या कुछ कन्फ्यूजन, इतना कन्फ्यूजन उन्होंने क्रिएट कर दिया तो क्या उनका कुछ आधार भी बनता है? क्या वो जो डॉक्ट्रीन प्रीच करने का दावा करते हैं, एक सिद्धांत देने की बात करते हैं, और खुद वो एक डोगमा, एक मतलब इस तरीके से रूढ़िवादिता को रखते हुए एक फिलोसॉफी देना चाहते हैं, क्या वो सच मायने में उसको प्रैक्टिस किया जा सकता है? क्या महात्मा उसको प्रीच करते हैं? किस तरीके का रिलीजन और किस तरीके के वर्ण सिस्टम को महात्मा गांधी प्रीच करते हैं, हमें ये जानना है। ये सवाल तो आता है ना, आदमी की क्यूरियोसिटी होती है, अंबेडकर ये कहते हैं। तो महात्मा के बारे में वो पर्सनल होते हैं, यहाँ पे पर्सनल उनके ऊपर अटैक करते हैं कि महात्मा गांधी बाई बर्थ बनिया है, और बनिया होती है एक वैश्य वर्ण का सिस्टम, और उनके एंसेस्टर जो हैं, इनके पिता जो हैं, वो तो बनिया नहीं थे, बनिया थे मतलब जाति से बनिया थे, लेकिन काम क्या करते थे? वो तो पॉलिटिकल मिनिस्टरशिप में थे, वो तो दीवान थे यहाँ पे पोरबंदर में। तो उन्होंने ब्राह्मणों के काम को तो छोड़ दिया, ब्राह्मणों के काम को तो चुन लिया और बनिया के काम को छोड़ दिया। तो मतलब वैश्य फैमिली से होने के बावजूद उन्होंने काम कौन सा किया? ब्राह्मणों का किया। और उसके बाद अगर उनकी खुद की लाइफ की बात कर लें तो महात्मा बनने से पहले, अब वो संत बनने से पहले उन्होंने क्या किया था? उन्होंने लॉ का अध्ययन किया। तो क्या लॉ का अध्ययन करना वैश्य का काम है क्या? और उसके बाद कानून का पढ़ाई करने के बाद कानून का काम नहीं किया, वो क्या बन गए? एक संत बन गए, आधे संत बन गए और आधे पॉलिटिशियन बन गए। अब ये पॉलिटिशियन का काम भी किसका है? ब्राह्मण्स का है। और अगर पॉलिटिशियंस रूलिंग क्लास में जाते हैं, मतलब उसमें चले जाते हैं, तो जो अब का जो पॉलिटिशियन है वो दोनों तरफ में हो जाता है, थोड़ा क्षत्रिय भी हो जाता है, थोड़ा सा एक तरह से लॉ मेकर हो जाता है, तो उसमें ब्राह्मण के भी अंश हो जाते हैं, तो वो पॉलिटिशियन बन गए। उन्होंने कभी भी ट्रेडिंग को टच तक नहीं किया, जो उनके फोर फादर्स की जो काम थी, जो उनके एंसेस्टर कॉलिंग क्या कहती है, एक वैश्य को क्या करना चाहिए? ट्रेडिंग करो, व्यापार करो, बिजनेस करो, लेकिन इन्होंने तो नहीं किया। उसके बाद बात आती है इनकी शादी की, अंतरजातीय विवाह पे जो इनके दृष्टिकोण है, हालांकि यहां तक बदल चुके थे उनके दृष्टिकोण महात्मा गांधी के, जब ये आर्टिकल लिखा गया था, उनकी ये छोटे बेटे ने एक ब्राह्मण वुमेन से शादी कर दी थी, देवदास गांधी ने, और लक्ष्मी नाम की एक ब्राह्मण लड़की से शादी करी थी। पहले महात्मा गांधी ने इसका विरोध ही किया था, लेकिन बाद में उस चीज के वो पक्ष में हो गए थे, जब उनका इवॉल्वमेंट हुआ 1930 के बाद, तो उन्होंने हाँ कर दी थी, और उनके बेटे ने न्यूज़पेपर में काम किया। तो महात्मा गांधी का परिवार, जिसने कभी भी एंसेस्ट्रल कॉलिंग को कभी फॉलो नहीं किया, इस वर्ण सिस्टम को, इस वर्णाश्रम को कभी फॉलो नहीं किया, वो क्यों प्रीच कर रहे हैं ये बात? वो समाज को ये कैसे बता सकते हैं कि हर आदमी को उसके वर्ण के हिसाब से ऑक्यूपेशन को चुनना चाहिए, जबकि उन्होंने खुद तो इस चीज को कभी अपनाया ही नहीं? तो ये जो सवाल है, ये काफी टफ क्वेश्चन थे, महात्मा गांधी से पूछे गए थे अंबेडकर के द्वारा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं, चलो महात्मा गांधी के जो कन्फ्यूजन है
उसको दो सोर्सों से समझने की कोशिश करूंगा। मेरे को जहां तक समझ में आता है, अंबेडकर ने कहा कि मैं दो रीजन समझ सकता हूं कि महात्मा गांधी इतने कंफ्यूजन में क्यों हैं इस चीज को लेकर, जाति व्यवस्था को वो क्यों प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वर्ण व्यवस्था के नाम पे जाति को वो किस तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उसकी बात करेंगे। तो उन्होंने कहा पहला तो कारण है कि महात्मा गांधी का टेम्परामेंट, उनके पास वो अपने आप, हो सकता है कि वो बहुत सिंपल आदमी हो, एकदम संत हों और एकदम ही अपने आप को आदर्श आदमी की तरह देखते हैं, एक बच्चे जैसा उनका दिमाग, और वो ऐसा मानते हो कि भाई जैसा मैं देखता हूँ जैसा सोचता हूँ वैसा होगा, समाज के लोगों में एक उत्थान होगा, एक क्रांति होगी, इंटरनली वो सोचेंगे और कहेंगे कि भाई अनटचेबिलिटी को छोड़ देते हैं, जाति व्यवस्था को रखते हैं, बराबरी का अधिकार रखते हैं सबको, ये वो अगर मानना चाहते हैं तो वो माने, ये उनका बिलीफ हो सकता है, एक बच्चा कुछ भी मान सकता है, उसको क्या दिक्कत है। लेकिन उसके लिए बाद में हमें ये इंतजार करना पड़ेगा कि ये बच्चा जो है मैच्योर हो एक दिन, और मैच्योर होने के बाद वो अपने इस फेथ में, इस झूठी आस्था में, इस फेथ के अंदर इसको छोड़े और फिर ये माने कि नहीं 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 ऐसे तो तब्दीली नहीं आएगी, उसके लिए तो हमें एक अलग तरीके की जागरूक क्रांति करनी पड़ेगी और तब ये कास्ट हटेगी। तो एक कारण तो ये हो सकता है, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि महात्मा गांधी अपने डबल रोल के अंदर कंफ्यूजन में है। अब डबल रोल क्या है, एक तरफ तो वो महात्मा है, संत है, लीडर है, और दूसरी तरफ वो एक पॉलिटिशियन भी है। पॉलिटिशियन है वो क्योंकि एक मास के लीडर हैं, कई सारे मास को उनको लीड करना है, एक पॉलिटिकल एजेंडा है उनका, भारत की आज़ादी दिलानी है और भी कई सारे एजेंडा हैं, कांग्रेस के अंदर उनका एजेंडा है, कांग्रेस को चलाना है। तो वो महात्मा गांधी जो हैं वो पॉलिटिक्स को स्पिरिचुअलाइज करना चाहते हैं, इसमें वो सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये उनको कमर्शलाइज तो कर ही रहा है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स उनको पॉपुलरिटी भी दे रहा है, कमर्शलाइज भी कर रहा है। तो महात्मा गांधी ऐसा जानते हैं, ये अंबेडकर के शब्द है, कि महात्मा गांधी जो हैं वो ये मानते हैं एक पॉलिटिशियन के तौर पे कि समाज जो है वो पूरे सच को एक साथ नहीं पहुंचा सकता, और अगर पूरे सच को पूरा नहीं पहुंचा सकता, अगर उनके सामने मैंने सच बोला तो ये मेरी पॉलिटिक्स के लिए सही नहीं होगा, ये बात है। और ये बात होती है कि समाज के अंदर जो परिवर्तन होते हैं वो बड़े धीरे होते हैं, उनमें बहुत स्लो स्लो आगे चेंजेस आते हैं, क्योंकि आपके मन के अंदर जो इतने सालों से जो चीज़ें आपके मन में डाली गई हैं रिलीजन के थ्रू या किसी और डोगमा के थ्रू या किसी और ट्रेडिशन के थ्रू, वो बदलना आसान नहीं होता। और इस तरीके की बातें जाति के खिलाफ अगर अचानक से महात्मा गांधी बोलेंगे तो हो सकता है लोग उनको ही विरोध करना शुरू कर दें, उनका ही विरोध करना शुरू कर दें। तो इसलिए महात्मा गांधी जो है वो, उनके सामने चैलेंज है कि वो लोगों के सामने किस तरह से प्रेजेंट करें। तो इसीलिए द रीजन वाई महात्मा इज ऑलवेज सपोर्टिंग कास्ट एंड वर्णा, बिकॉज ही इज अफ्रेड दैट ही If he opposes them, then he will lose his place in politics. वो अपना जगह, अपना कद खो देंगे। तो महात्मा गांधी के ऊपर इस तरीके के उन्होंने सवाल दागे और इस तरीके के उन्होंने आरोप भी मढ़े अम्बेडकर साहब ने। उसके बाद वो लास्ट में कहते हैं कि जो भी कन्फ्यूजन का कारण हो, महात्मा गांधी को ये महात्मा मस्ट बी टोल्ड दैट ही इज डिसीविंग हिमसेल्फ, वो खुद को धोखा दे रहे हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये कास्ट की जो प्रीचिंग कर रहे हैं वो वर्ण के नाम पे, वर्ण के नाम पे जिस तरीके से वो कास्ट को डिफेंड कर रहे हैं, उसमें जितना वो कन्फ्यूजन फैला रहे हैं, तो वो किसी हमें नहीं धोखा दे रहे हैं, हम जो इस चीज़ को जानते हैं वो अपने आप को और लोगों को धोखा दे रहे हैं। और इस तरीके की जो लेटर लिख के, इस तरीके का आर्टिकल लिख के गांधी के ऊपर बहुत बड़ा ये एक तरह से हमला किया था अम्बेडकर साहब ने, ये बात थी। लेकिन अम्बेडकर साहब के इस क्रिटिकल एनालिसिस को मैंने क्यों डाला, क्योंकि अम्बेडकर साहब के पास हमेशा एक एनालिसिस करने का एक तरीका होता है। किसी को भी आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसमें फैक्ट सही होने चाहिए, उसके अंदर आपका तर्क सही होना चाहिए। अब उनका जो आपने अभी तक गांधी के व्यूज पढ़े कास्ट के ऊपर, वो कन्फ्यूजन तो है ही, उसमें काफी सारा कन्फ्यूजन है, उसमें आप निकालने को ऐसे कह सकते हैं कि कास्ट के खिलाफ है, वर्ण के पक्ष में, लेकिन वर्ण है कहाँ, पक्ष किसका ले रहे हो आप। अब मैं कहूँ कि मैं डायनासोर का पक्ष ले रहा हूँ तो डायनासोर तो है नहीं ना पुराने, उस चीज का कोई सेंस नहीं बनता ना। वर्ण व्यवस्था वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं अगर उसको बचा के रखा है क्या, क्या आप नहीं देखेंगे कि ब्राह्मण कभी आपने देखा नहीं है कि आर्मी में है, क्या आपने देखा नहीं है कि कोई शूद्र जो है वो आर्मी में है, या फिर कोई जो अलग अलग जाति के लोग जो है वो अलग अलग फील्ड में काम कर तो रहे थे ना उस जमाने में भी। तो वो वर्ण व्यवस्था जो है वो तो टूट चुकी थी, वो पुराना वर्ण सिस्टम तो टूट चुका था, अब तो अधिकारों की बात है, अनटचेबिलिटी को हटाना है, कास्ट के अंदर जो चीजें लोगों के बीच में डिस्टिंग्विशेशंस हो रखे हैं, जो बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रखे हैं उनको हटाना था।
उसके बाद महात्मा गांधी ने आगे चल के कास्ट सिस्टम के ऊपर थोड़ा अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया, जैसे हरिजन अपमेंटमेंट टूर उन्होंने 1933-34 में किया। उन्होंने उसके बाद चीजें ये भी कर दी थी कि अब इंटर कास्ट मैरिज भी होनी चाहिए, कि किस तरह से अब चीजें बदल रही हैं, और उन्होंने धीरे धीरे कास्ट सिस्टम के ऊपर उनके जो आइडियाज थे वो स्ट्रेंथन भी होने लग गए थे कि अब हमें अबोलिश करने की जरूरत है। तो बदलाव भी हुआ है महात्मा गांधी में, बदले स्लो ही सही लेकिन परिवर्तन तो आया है। एक्सेप्टेंस थी उनके अंदर, ऐसा नहीं कि एक्सेप्टेंस नहीं थी, और वो बैठ के बात करने में विश्वास रखते थे। उनके बाद उनका बेटा था, उनके बेटे जो थे, उनके चार बेटे हैं, मनीलाल उनका जो बेटे थे वो एक मुस्लिम वुमन से, लड़की से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनको उन्होंने अलाउ नहीं किया। 1920 के दशक में मना कर दिया कि नहीं नहीं मुस्लिम से नहीं, और उन्होंने लेटर लिखा बकायदा, उन्होंने कोई ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ही हिंसक तरीके से बोला होगा, ना, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक फ्रेंड की तरह कह रहा हूँ कि इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस मैरिज आपको कोई परिणाम तक नहीं पहुंचाएगी, आपका बेटा क्या होगा, हिंदू होगा मुस्लिम होगा, काफी इस तरीके की बातें उन्होंने कही उसको, और वो बेटा कन्विंस हो गया। उसके बाद हिंदू लड़की से शादी उनकी करवाई गई। और बात करें इंटर कास्ट मैरिज की, मतलब रिलीजन एक लेकिन कास्ट अलग अलग, तो उसको 1928 तक तो गांधी इस चीज के खिलाफ थे और ज्यादा उन्होंने कभी सपोर्ट किया नहीं, लेकिन उसके बाद 1937 में आपको पॉइंट ऐसे नजर आते हैं जहां पे इंटर वर्ल्ड मैरिज की वो बात करने लग जाते हैं। और यहाँ पे भी वो कहते हैं कि हरिजनों को अपने घरों में जगह दो, जिस तरह से हरिजन आपको अपने घरों में जगह देने के लिए तैयार हैं आप भी दो, मतलब ब्राह्मणों और हरिजनों के आपस में शादी कराने की उन्होंने बात कही। गांधी सेवा संघ के अंदर उन्होंने कई सारी जगहों कई लोगों की ऐसे शादी करने के लिए उनको एक तरह से मोटिवेट किया कि एक ब्राह्मण लड़का हरिजन लड़की से शादी करे, हरिजन लड़की जो है लड़का जो है वो ब्राह्मण से शादी करे, इस तरीके के उन्होंने कोशिश करी कि ये इंटर कास्ट मैरिज हो। और इंटर कास्ट मैरिज होने का बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि कास्ट सिस्टम समाज से धीरे धीरे इरेडिकेट अपने आप हो जाए, ये चीज़ है, क्योंकि फिर कास्ट बचती नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जैसे कि उन्होंने अपनी बेटे को हरिलाल मनीलाल को जो है वो अलाउ नहीं किया था मुस्लिम लड़की से शादी करने में, तो रिलीजन इंटर रिलीजन मैरिज के ऊपर उनके जो पॉइंट हैं वो हमेशा से थोड़े से खिलाफ ही रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन के व्यक्ति से शादी करता है तो उसमें मेरे को कोई मॉरल ऑब्जिगेशन तो नहीं दिखता है, कि इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है कि वो शादी करने के बाद मुझे कोई दिक्कत है इस यूनियन से, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जो यूनियन है दो धर्मों के बीच की इंटर रिलीजियस मैरिज, इससे कोई पीस नहीं आने वाली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो मैं इसको एक डिजास्टर की तरह ही देखता हूँ। बहुत कम शादियां जो हैं वो इंटर रिलीजन वाली सक्सेसफुल होंगी, क्योंकि दोनों के बीच में काफ़ी इनसिमिलरिटीज हैं, काफ़ी अंतर हैं दोनों की परवरिश में, दोनों का तौर तरीके में, और काफ़ी कुछ अंतर होने की वजह से ऐसी मैरिजेज का सक्सेसफुल होना बड़ा मुश्किल है। और ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से अनसक्सेसफुल ही हो जाएंगी, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ये सक्सेसफुल भी हो सकती हैं, हैप्पी भी रह सकते हैं लोग, लेकिन फिर भी मैं इनको एडवोकेट नहीं करूँगा। मैं अलग अलग फेथ के लोगों को शादी के जोड़ बंधन में बंधने के लिए बिल्कुल भी एडवोकेट नहीं करूँगा, और मैं इससे अपने आप को दूर रखना चाहूँगा। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसको कभी भी पर्सनल लेवल पर अगर आप मुझसे वो मांगे ओपिनियन, तो मैं कहूँगा कि आप अपने ही फेथ के अंदर शादी करिए, ये महात्मा गांधी का मानना था। और इन्होंने कहा कि मैं इंटरकास्ट मैरिजेस को तो इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि उससे मैं चाहता हूँ कि सब कास्ट जो हैं ये सब ये डिसअपीयरेंस हो जाए इनका, ये ख़त्म हो जाए, कास्ट सिस्टम जो है उसको बेसिकली कह रहे थे कि वो खत्म हो जाए, लेकिन इंटर रिलीजन मैरिज को सपोर्ट नहीं करते थे। कंक्लूजन पे क्या पहुंचते हैं आप, ये फाइनल बात है, आप कहां किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं वो तो मेरा इंतजार रहेगा, मैं इंतजार करूंगा आपका, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। लेकिन महात्मा गांधी, जिनको महात्मा एक महान आत्मा के तौर पे देखा जाता है, उन्होंने भी अपना स्टैंड समय के साथ साथ बदला है। और दुनिया में कई ऐसे फिलोसोफर्स हुए जिन्होंने अपनी 20-30 साल की मेहनत से किताबें लिखी फिलोसॉफी पे, और लास्ट में कहा कि ये किताब मैं इससे ही एग्री नहीं करता, इसको फेंक दो, इन सारे सिद्धांतों को फेंक दो फाड़ के, अब नए सिद्धांत पे बात करते हैं। तो महात्मा गांधी का जीवन जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे तब्दीलियाँ हुई 20-30 साल के समय में, उन्होंने 3 दशकों में अपने जाति धर्म और इंटरकास्ट मैरिजेस के ऊपर अपने ओपिनियन बदले हैं। और बेसिकली उनका शुरुआत में ये स्टैंड था कि वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, वो हिंदू धर्म का एक एसेंशियल पार्ट है, वो नेचुरल लॉ है, लॉ ऑफ नेचर है, उसको रखना चाहिए, और वर्ण आश्रम यानी वर्ण के आधार पे ऑक्यूपेशंस करने चाहिए। और इवन वो इंटरकास्ट मैरिज का भी विरोध करते थे, लेकिन अपनी लेटर एज में, अपने लेटर पीरियड में वो इन सब चीज़ों का एक अलग वर्जन पेश करते हैं, और कहते हैं कहीं हद तक कि वर्ण व्यवस्था जो है वो पहले वाली सही थी,
लेकिन अभी की कास्ट जो है वो वर्ण व्यवस्था में नहीं रही है, तो इस वर्ण ये जो सिस्टम है इसको खत्म कर देना चाहिए, इस कास्ट सिस्टम को खत्म करना चाहिए, और इसके लिए हमें इंटरकास्ट मैरिजेस भी करनी चाहिए। अनटचेबिलिटी जैसा क्राइम तो होना ही नहीं चाहिए। तो पहले के कंपैरिजन में उनके जो विचार हैं वो प्रोग्रेसिव हुए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इतने प्रोग्रेसिव हो गए थे कि वो कोई अमेरिकन लाइफ की बात करते हैं कि किसी भी रिलीजन और किसी भी तरीके के व्यक्ति से आप शादी कर लो या किसी के साथ भी रहो और पूरी तरह से कास्टलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी की बात वो नहीं करते थे। कुछ हद तक उनका मॉडल जो था वो एक अलग तरीके का इंडियन गांधीयन मॉडल था उनका, जिससे कम से कम अंबेडकर तो सहमत नहीं थे। अंबेडकर का अपना एक तरीका था कास्ट के बारे में और इनके बारे में, वो पूरी तरीके से एकदम स्पष्ट बोलते थे कि कास्ट सिस्टम इस समाज का नुकसान पहुंचा रही है, तो उसको खत्म कर दो, पूरी तरह से खारिज कर दो, इस तरीके के थे उनका। इनके साथ कंपैरिजन अगले वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सक्सेस प्लस अकेडमी के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़िएगा, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे इंस्टाग्राम हो और चाहे टेलीग्राम हो, जहाँ पे आपके इनसे रिलेटेड वीडियोस और की जो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और इनसे रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा, जो कि PDF वगैरह है वो एप्लीकेशन पे अभी आती हैं और टेलीग्राम पे भी मैं समय समय पे अपलोड करता रहता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।